मैं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बाड़ी में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। कल संध्या के समय कार्यालयीन कार्य कर रहा था, उक्त समय मेरे सहायक अजय राजपूत जी, जो बाबूजी हमारे ऑफिस में, वो भी थे और एक दो उपभोक्ता भी वहाँ बैठे थे। इतने में विद्युत ठेकेदार चंद्र प्रकाश से अपने 3-4 गुंडों को साथ में लेकर आया, जिनके पास पट्टा, लोहे की रॉड, लोहे स्टील की रॉड, फनल आरी टाइप का एक था जिसमें 1.5-2 फीट की फनल आरी थी, एवं मेरे कार्यालय में घुसा एवं कट्टा अड़ाकर सबको बाहर कर दिया। उसके पश्चात उनके द्वारा बगैर कोई बातचीत करे के गाली गलौज करते हुए करीब 15 से 20 फीट तक लगातार मारपीट की गई। क्योंकि मैं कार्यालय में अकेला ही था, इस वजह से मैं सिर्फ प्रतिरोध ही करता रहा। इसके पश्चात हमारे बाबूजी और अन्य लोगों के द्वारा जब पुलिस को सहायता के लिए बुला गया तो पुलिस आई, किंतु उन पुलिस के सामने ही वो भाग गया। भागने के दौरान कल मुझे पता था कि मेरे कार्यालय से कोई दस्तावेज लेके गया। अभी जब जानकारी ली तो पता चला कि मेरे कार्यालय से कुछ 21,500 रुपये, जो कि राजस्व संग्रहण की राशि रखी थी, जो हमें चेस्ट में रखवाना होती है, वो भी लेकर भाग गया है और उसके गुंडे लेके भागे हैं। वो तो आखिरी में पुलिस देख के तुरंत पहले ही भाग गया था और लगातार 20 मिनट तक वो लोग रॉड से, आरी फनल से हमला करते रहे, जिससे जगह जगह पूरे शरीर में चोट आई। इनके द्वारा अवैध रूप से ट्रांसफार्मर क्षेत्र में स्थापित कर लिए गए थे, जिसे मेरे द्वारा पकड़ा गया था और मेरे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जानी थी। 1-2 दिन पहले ही हमने इनके ट्रांसफार्मर पकड़े थे। उसके पकड़े जाने के क्रोध के वजह से वो मेरे कार्यालय में आया और मुझे कहता है कि क्या तुम मुझे जानता नहीं, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सेन है। इस तरीके से आकर मुझे मारपीट कर मुझे धमकाया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, यदि पुलिस मौके पर नहीं आती तो हो सकता है कि मुझे जान से मार भी दिया जाता। भागने के पूर्व उनके साथियों ने कार्यालयीन दस्तावेज एवं 21,500 रुपये के लगभग राशि, जो शाम के समय ऑफिस की थी, जो मुझे चेस्ट में रखना होता है, वो भी लेकर भाग गए। चाहता हूँ कार्रवाई की जाए।